के मना करेगी तो जितना इरशाद उतना मैं बजाऊंगा। इरशाद तू रोती रहेगी और मैं मजे लेता जाऊंगा। एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड को मेरा पकड़ लेने की आदत थी। एक बात बताऊं हेल्थ मिनिस्टर साहब। जी ये जो मेरा बेटा है ना ये आधा पागल है। हेलो दोस्तों, मैं अभय और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने चैनल दिल्ली के दिलेर पे। दोस्तों आ चुके नए वीडियो और वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच आप सबके लव और सपोर्ट की वजह से आज हमारे चैनल दिल्ली के दिलेर पे 4 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। तो ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। और आज वीडियो में पप्लू शायर ने दिल्ली की लड़की को बड़ी प्यारी शायरी सुनाई है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। कैमरा ऑन रख। हेलो, सॉरी सॉरी, मैं एक्चुअली देख रहा था आपको, मैं जस्ट हेलो बोलने आया था आपसे। हेलो ऐसे बोलते हैं? मेरा फोन तोड़ दिया है। चल चल, आ रही है। आने दे। हेलो, अरे ये मार मार का खोपड़ी तोड़ साले का मार। मैं 2 मिनट में बात करती हूँ। सॉरी। नहीं, कुछ नहीं हुआ, 2 मिनट में करती हूँ। सॉरी, गलती हो गई। सॉरी। लगी तो क्या लगी तो नहीं, मैं पूछ दूँ? बस थैंक यू। एक्चुअली मैं पेल रहा था। किसको? दंड पेल रहा था मैडम। अरे तुमने मुझे आगे डराया तभी मैं गिरी हूँ। आराम से, थोड़ा चिल्लाओ मत, ठीक है? मुंह दबाना पड़ेगा क्या? चुप कराना पड़ेगा क्या? एक तो मेरा फोन तोड़ दिया तुमने, ऊपर से मुझे ऐसे बोल रहे हो। आपको फोन ऑन चाहिए ना, 2 मिनट चुप रहो। दो फिर ऑन करके। आप मुझे क्यों देख रहे थे? नहीं, जस्ट आप वहाँ से आ रहे थे ना, तो मैं आपसे हेलो बोलने आया था। ऐसे हेलो बोलते हैं? हेलो, एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या कर रही हैं आप? बैठे हुए हैं यहाँ पे, बैठ नहीं सकते। वो एकदम से गिरा ना तो वो खत्म हो गया बिल्कुल। लो, ऑन हो गया, देख लो। इसकी डिस्प्ले नहीं चल रही है। स्क्रीन चल रही है, देख लो, एक मिनट रुक जाओ। वो अरे टच करो, थोड़ा सा ढीला हो गया इसका। नकली फोन लेके घूमोगी तो यही होगा फिर। असली फोन है ये। असली फोन तो है बट ठीक है, काम क्यों नहीं कर रहा फिर ये इतनी तेजी से? लो ठीक है, ये देख लो, सब कुछ चल रहा है। ये देखो व्हाट्सएप भी चल रहा है और ये देखो नंबर। ये क्या बात होती है, मेरा नंबर मेरे फोन में, तुम अपना नंबर क्यों डाल रहे हो? सुनो, मैं इतना फेमस हूँ ना, आप जाओ, मैं मना नहीं कर रहा, आप जाओ जहाँ जा रही हो, लेकिन मैं इतना फेमस हूँ ना, मतलब लड़कियां मुझे देखते हैं ना खोल देती हैं। क्या? इंस्टा की आईडी खोल देती हैं कि लो देख लो आप, मेरा नाम है पप्लू शायर। पप्लू शायर, ये कोई नाम होता है पप्लू शायर? पकड़ा है कभी पप्लू शायर का हाथ? पकड़ा है पप्लू शायर का से हाथ? पकड़ा है पप्लू शायर का? आपको ठंडी लग रही क्या? ये शायरी है या नहीं, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ। क्या आपको ठंडी लग रही है? टू बी ऑनेस्ट नहीं लग रही, आज तो अच्छा है वेदर। हमें तो इतनी ठंड लग रही है यार, हड्डियाँ कमजोर हो रही है क्या? बिल्कुल ही एक्चुअली कमजोरी चढ़ी हुई है मुझे, मैं एक दवाई लेके आया था, वो खानी पड़ेगी। तो आप ही अपनी पूरी हिस्ट्री मुझे? नहीं नहीं, मैं जस्ट बता रहा हूँ। आप हर अजनबी को जाके, नहीं नहीं, अजनबी हसीना को जाके बताओ। पीछे आ जाना कभी, पीछे होता है रंगारंग कार्यक्रम, ठीक है? वहाँ पे कपड़े फाड़े जाते हैं। कपड़े फाड़े जाते हैं मतलब कपड़े फाड़ के ऐसे जमीन पे बिछाए जाते हैं, फिर बैठो। देखो तुम्हारा जो भी काम है, मेरा फोन ठीक हो गया, मैं जा रही हूँ। अरे एक मिनट, बात तो सुन लो, आप चले जाओ, मैं रोक नहीं रहा आपको। लड़कों को कभी भी पिंक और रेड में भी फर्क नहीं पता चलता, लिप शेड तो आप लोग छोड़ ही दो। आप लड़के मतलब बस क्या देखते हो लड़की में? मेरे को यार मैं वो बता नहीं सकता आपको, मतलब ये डिपेंड करता है लड़की आ रही है कि जा रही है। पप्लू शायर पेलमपुर वाले।
पेलमपुर जी। ये कहाँ है पेलमपुर? ये रेलमपुर के वहाँ पे। अब ये रेलमपुर कहाँ है? ये खेलमपुर के वहाँ पे। अब ये खेलमपुर कहाँ है? ये देलमपुर के वहाँ पे। ये क्या बात करता है यार, ये तो मुझे अपनी बातों में फंसाने की नहीं बात नहीं नहीं बातें फंसाने, अरे यार मैं बातें फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली मैं आया कहाँ से हूँ। लड़कियाँ तो बहुत सारी, एक्चुअली मैं औरतों से बात करता हूँ ना, मतलब समझी नहीं आप, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं लड़कियों से ही बात करता हूँ। हाँ आप शायरी सुना रहे थे, सुनाइए। इरशाद मानना, इरशाद मारते रहना, इरशाद रुकनी नहीं चाहिए, मारते रहना इरशाद। और नहीं मारी तो मरवानी पड़ेगी ना फिर। क्या मतलब किसी को बुला के मरवानी पड़ेगी ना, किसी को बुला के मरवानी पड़ेगी ना कि आ जाओ भाई इरशाद मार दो। अच्छा लगता है फिर तीन जनों के बीच में खेल होगा, मतलब तीन जनों के बीच में शायरी सुनाई जाएगी। के मना करेगी तू जितना इरशाद उतना मैं बजाऊंगा। ओ हेलो एक सेकंड, क्या आग बुझा रहे हो ये? मैं अरे नहीं नहीं मैं आग नहीं बुझा रहा, एक्चुअली शायरी बहुत प्यारी है। एक्चुअली बस शायरी सुन लो फिर आप चले जाओ। एक्चुअली मुझे जाना है, मेरी गाड़ी आ गई। तू कहाँ जा रही है? अरे एक मिनट, वो कितनी लंबी हुआ मेरे से, कैसा है ऊपर मौसम, सही है, बारिश हो रही है क्या? मतलब आप बहुत लंबी हो यार मेरे से। बारिश नहीं लेकिन तूफान आने की संभावना जरूर है। तूफान आने की संभावना बहुत है ना, तो कोई बात नहीं लहरें उठने दो। ये आदमी कितना बोलता है। के मना करेगी तू जितना इरशाद उतना मैं बजाऊंगा इरशाद, तू रोती रहेगी और मैं मजे लेता जाऊंगा। एक बात बताऊं हेल्थ मिनिस्टर साहब जी, ये जो मेरा बेटा है ना ये आधा पागल है। इरशाद धीरे धीरे बजा, के धीरे धीरे बजा इरशाद, सुन के तेरे ये लफ्ज मैं खुद को ना रोक पाऊंगा। ये मेरा डीजे है जाने मन, मैं जितना मर्जी उतना बजाऊंगा उतना बजाऊंगा। ओह माय गॉड, डीजे बजाऊंगा। इधर कुछ और बोलना चाहिए था क्या? तू बोलना, मैं क्या बोलूं? तो आप क्या लग रहा था वो तो डीजे की बात हो रही थी यार। अरे डीजे की बात हो रही थी भाई। अच्छा ठीक है, आपको क्या क्या जल्दी से ले ले मेरी इरशाद वरना कोई आ जाएगा। इरशाद तू यूं ही खड़ा रहेगा, तेरे सामने मेरी कोई लेके जाएगा। इरशाद नहीं बोल पाऊंगी ना, के नहीं बोल पाऊंगी ना क्योंकि मैं जानती हूँ वो पानी नहीं गिराएगा। कहाँ जा रहा सीधे खड़े रहे? इरशाद जल्दी से बता जवाब अपना वरना मेरा मूड बदल जाएगा। इरशाद उठा मेरी पानी की बाल्टी वरना मेरा बापू कैसे नहाएगा कैसे नहाएगा। हेलो आपने क्या, अरे अरे शायरी कैसी थी? बहुत अच्छी शायरी थी आपकी। कि मेरी हालत देखकर लोगों को लगा कि मैं पी के बैठा हूँ। इरशाद इरशाद पर उन्हें क्या पता कि मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बैठा हूँ। कसम झलक देखने की कि कभी तो आएगी वो मेरे साथ करने। इरशाद इरशाद शादी फिर शुरू होगी बर्बादी। कहेगी कि पूरी पूरी रात किया करो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। What that mean? दूध तो हमारी आंखों में देख के पिया करो और बात पूरी रात किया करो। अरे ये क्या सोच रही हो? हेलो कुछ नहीं वो क्या आप क्या सोच रही थी? कुछ नहीं पक्का व्हाट यू आर सो फनी। तो हूँ मैं हूँ। गर्लफ्रेंड है नहीं, एक्चुअली गर्लफ्रेंड थी जी, हमारा ब्रेकअप हो गया। क्यों? उसके पीछे एक बहुत बड़ी दुख भरी दास्तान है। अच्छा सुनाना पसंद करेंगे आप?
सुनना चाहेंगी आप? हाँ जी सुनाइए। तो बेचारे लड़के फंस गए रे। एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड को मेरा पकड़ लेने की आदत थी। जी? इसलिए एक दिन उसने मुझसे कहा कि अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी क्योंकि मैं तेरे झूठ पकड़ पकड़ के तंग आ चुकी हूँ। तुम चुप रहो, तुम समझदार नहीं हो, ये छोई समझदार है, देखो कितनी समझदार है। क्या हुआ? कुछ नहीं आप बोलिए। झूठ पकड़ पकड़ के वो तंग आ गई थी इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। अरे क्या हुआ? हाँ जी। बस यही वजह थी। इतनी बड़ी वजह? अरे आप क्या कुछ और समझ रही हो क्या? आप क्या सोच रही हो? नहीं मैं कुछ नहीं समझ रही। हो क्या, शायरी सुना दी आपने मुझे? शायरी सुना दी मुझे, भी बहुत हंसी आई। अच्छी आई ना, अब मैं जाऊँ? खटिया ले आओ। क्या बैठ के आप हंसेंगे ना? बैठ के हंसेंगे ना, पूरा दिन हंसेंगे ना, पूरा दिन हंसते हैं। क्यों? एक बात करता हूँ मीशा, सुनो सही, मैं ऐसी आपको शायरी सुनाता रहूँगा, बस एकदम ठंडा कर दूँ। हो गया, मेरे को देरी हो रही है, मेरे को निकलना है। छोड़ दे इसे। जाओ जाओ। हेलो। अरे यार, पीछे पड़ गए हो। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, सुनो मेरी बात, क्या कह रही हो आप, पीछे पड़ गए हो? हाँ पीछे पड़ गए हो। एक्चुअली बात ऐसी, मैं आपको जरूरी बात बताने आया हूँ। अब क्या रह गया? एक चीज रह गई है, कुछ तो बाकी है, मतलब कुछ तो बाकी था। आपकी शक्ल पता कैसी है? मैं आपको ये भी बताना चाह रहा था, ये भूल गया था। कैसी है? वो आपने गाना सुना है, मैं जद्दो तेरे खबाड़े रात रे आ, वैसी लग रही है लड़की बिल्कुल, वैसी लग रही है। ले आओ चादर, ले आओ, मतलब चादर ले आओ, मतलब बैठ के बात करेंगे, बैठ के बात करेंगे ना, बैठ के बात करेंगे। अच्छा नहीं, उधर कोई है? नहीं। इधर कोई है? हाँ। प्यार हो गया आपको? प्यार हो गया इन्हें आपको? प्यार हो गया? सिर्फ मैं दिख रहा हूँ। एक सेकंड, आप परफेक्टली फाइन हो ना, मतलब यू आर नॉट कमिंग फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम आगरा और एनीवेयर। आगरा से नहीं आया? यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नहीं ऐसी बात है, एक्चुअली आप मेरे को देख, अपनी आंखें दिखाइए तो। नर्व्स ठीक है सब? दिल की धड़कन भी चेक, नहीं आया दिल की धड़कन भी सुन लो अगर सुनना चाहो तो। नहीं दिल की धड़कन सुन लो। कोई है? कोई इनके साथ तो नहीं आया? नहीं कोई नहीं आया, कोई साथ। अकेले छोड़ दिया आपको? हाँ मैं एक्चुअली कह रहा हूँ। अकेले कैसे छोड़ सकते हैं आपको? वहाँ पे यू आर सो हार्मफुल। एक शब्द भी और बोली ना लत से आ डालूंगा। वहाँ पे कोई है? नहीं। उधर कोई है? नहीं। उधर कोई है? नहीं। इधर कोई है? हाँ। प्यार हो गया इनको? प्यार हो गया भैया, ले आओ गोलियां, ले आओ नींद की गोलियां, ले आओ नींद की गोलियां, ले आओ। अब आपको क्या बताती हूँ, इधर कोई है? उधर कोई नहीं है। इधर कोई है? नहीं कोई नहीं है। इधर कोई है? नहीं। इधर? इधर भी कोई नहीं है। वाह बॉल मार दिया आपने तो। ए, अपना स्टाइल ऐसी है यार, ये बाबूराव का स्टाइल है। वो देखो सामने कैमरा लगा है, प्रैंक हो रहा है। सीरियसली? जी मतलब ठीक है। आई कांट इमेजिन यार। सो हाय, हमारे चैनल का नाम है दिल्ली के दिलेर, वीडियो दिखा देने कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ कर सकती हो? हाँ श्योर। कहाँ हो भाई? वो देखो सामने कैमरा लगा है, प्रैंक हो रहा है। प्रैंक हो रही है? जी। शिट, हम इतनी देर से बात कर रहे थे। शायरी सुनी जा रही है बिल्कुल ही एकदम। शायरी सुनाओ भाई, और आगे क्या है शायरी? सो हमारे चैनल का नाम है दिल्ली के दिलेर, वहाँ देख के हाय कर दो। हाय। वीडियो दिखा दूँ ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दिखा दो, अब बना ही लिए तो। दिखा दूँ ना, एक हक कर सकती हो? नो। उधर? नोप्स। कुछ नहीं है ना, वो देखो सामने कैमरा लगा है, प्रैंक हो रहा है। You did this to me? Oh my God. Seriously? जी। So, हमारे चैनल का नाम है दिल्ली के दिलेर, वहाँ देख के हाय कर दो। हाय कैमरा, हेलो। बापे, टाइम बिताने के लिए आया जा रहा है पार्क में अकेले अकेले? टाइम बिताने आई थी क्या? But how did you call me? आपको कैसे लगा कि मैं अपने शिकार, मतलब अब मैं जिससे ही बात करने वाला, तो पहले मैं देख लेता हूँ, ये हमारी आदत है। Oh my
गॉड यू कॉट मी देयर हां तो वहां देख के आए कर दो वीडियो दिखा दो ना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आई थॉट ओ माय गॉड कोई आ गया है भाग के कहीं से एक हक कर सकती हो एक्चुअली व्हाट हैपेंड पानी है आपके पास हां गाड़ी में चलिए ओके सो बाय हम फ्रेंड्स बन सकते हैं वैसे फ्रेंड्स बन सकते हैं ना ये आप बहुत अच्छी बात कह रही हो मैं पता है बहुत समय से ना एक दोस्ती ढूंढ रहा था मैं हाँ और ही खोल लो इसको नहीं मतलब जैसे आप चलो ऐसे हो अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके होप गाइस आपको प्रैंक पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करो शेयर करो और हाँ हमारे चैनल दिल्ली की दिलेर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लो मैं आपको मिलूंगा बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ तब तक देखते रहें आप सबका अपना फेवरेट चैनल दिल्ली के दिलेर।